वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट, पूरी दुनिया को एक पावर ग्रिड से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया को इस इंडो चाइना इकोनॉमिक वॉर में विनिंग पोजीशन में ला सकता है। 2 अक्टूबर 2018 को जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के इस विजन के बारे में बताया तो एक सपने जैसा लग रहा था, पर अब ये एक ज़रूरत बन गई है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के थ्रू इंडिया एक इंटरनेशनल सेंट्रलाइज सोलर पावर ग्रिड बनाना चाहता है जिससे पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। पर ऐसा क्यों? अर्थ पे एक घंटे में जितनी सनलाइट आती है वो पूरे वर्ल्ड के एक साल के पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है, पर सैडली अभी ये पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम 90% सनलाइट को वेस्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि हर कंट्री के पास बिग सोलर फार्म्स बनाने की लग्जरी नहीं है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के थ्रू इंडिया ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। इंडिया ने प्रपोज किया है कि सनशाइन कंट्रीज कंबाइंड सोलर पावर जनरेट करेंगी और पूरे वर्ल्ड में उस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, ये आंसर है इंडिया का चाइना के वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना इंडिया को सी रूट में चारों तरफ से घेर रहा है और छोटे छोटे कंट्रीज की इकोनॉमिक को कंट्रोल करके ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस की तरफ बढ़ रहा है। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। ये प्रोजेक्ट ये प्रूफ करता है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहा है, ना कि ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस। इस प्रोजेक्ट का बेस एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, दैट इज सन नेवर सेट्स। जब इंडिया में शाम होती है तब अफ्रीकन कंट्रीज में दिन होता है, और जब इंडिया में रात होती है तब ब्राज़ील में दिन होता है। मकसद बहुत सिंपल है, सनशाइन कंट्रीज में इंटरकनेक्टेड सोलर फार्म्स डेवलप किया जाएगा। पर यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा? ये प्रोजेक्ट तीन फेजेस में एग्जीक्यूट होगा। फेज वन, मिडिल ईस्ट, इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एक इंटरकनेक्टेड सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल होगा। फेज टू, उन सोलर पावर प्लांट्स को अफ्रीकन कंट्रीज के सोलर पावर प्लांट से कनेक्ट किया जाएगा। फेज थ्री, एक इंटरनेशनल सोलर पावर प्लांट्स का सेटअप होगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या इंडिया इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है? एंड द आंसर इज यस। दुनिया के पांच सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से तीन इंडिया में है। भदला सोलर पावर पार्क, शक्ति स्थला सोलर पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट, कामुथी सोलर पावर प्लांट, कोचीन एयरपोर्ट, ये वो नाम है जो ये बताते हैं कि इंडिया अपने सोलर सेक्टर डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस है। टॉकिंग अबाउट कोचीन एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे पहला 100% सोलर पावर बेस्ड एयरपोर्ट है, जिसकी सारी पावर रिक्वायरमेंट्स सोलर एनर्जी से पूरी होती है। सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में जितना इन्वेस्टमेंट लगा वो इस एयरपोर्ट ने अगले 4 साल में ही रिकवर कर लिया। आज के टाइम में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनर्जी इंडिपेंडेंट हो चुका है। ये प्रूफ है कि इंडिया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में कैपेबल है। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड के तीन मेजर इश्यूज पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, क्लाइमेट चेंज, एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन इकोनॉमी। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट वाटर, सैनिटेशन, फूड, एजुकेशन जैसे सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स पे भी पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है। इंटरनेशनल कम्युनिटीज को अब ये दिखने लगा है कि इंडिया और चाइना में एक बेसिक मोरालिटी का ही डिफरेंस है। चाइना ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रोल करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ग्लोबल इकोनॉमी डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है। इंडियन सोलर सेक्टर में इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फायदा उन कंपनीज को होगा जो पहले से ही कम्युनिटी सोलर और माइक्रो मिनी सोलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अगर आप सोलर सेक्टर में वेंचर करना चाहते हैं तो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट टाइम। अगर आपको सोलर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन लाइक न्यू बिजनेस आइडिया, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल शो कर रहा है। इट्स टाइम टू हेल्प इंडिया विन दिस इंडो चाइना इकोनॉमिक वॉर। इंडिया को हेल्प करें, सोलर सोल्यूशन को यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया नेटवर्क एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन सोलर एनर्जी सेक्टर। थैंक यू।